नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी मन की शक्ति की देवी हैं। माता कात्यायनी की उपासना से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ को कौन से पुष्प अर्पित करें, क्या लगाए भोग, जानते हैं पूरम गुप्ता जी से। बहुत स्वागत है पूरम जी आपका। नमस्कार। माँ कात्यायनी के सभी भक्तों को मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार नमस्कार है जी। तो जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्लोक से, तो एक श्लोक माँ का हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ का श्लोक पूनम जी ने आप सबों को सुनाया है, जिससे माँ का आह्वान करते हैं, माँ की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और हमारे साथ पूनम जी लगातार बनी रहेंगी, और किस तरीके से माँ को हम प्रसन्न करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, इन सारे विधानों को हम जानेंगे। वैसे पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ये दानवों असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहलाती हैं। माँ का स्वरूप कैसा है जोत्सना जी? माँ का स्वरूप ऐसे, माँ कात्यायनी का स्वरूप जो है वो बेहद आक्रामक है, रौद्र रूप है उनका, परंतु ये पापियों और असुरों के लिए है जोत्सना जी। हम भक्तों के लिए माँ का रूप बहुत ही सरल और ममतामयी है। कात्यायन ऋषि जो थे उन्होंने घोर तप किया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या जब की तो उनके तपस्या से माँ जगदननी जो है वो काफ़ी प्रभावित हुई, काफ़ी खुश हुई। उन्होंने पूछा कि कहिए महर्षि आपको कौन सा वरदान चाहिए, तो महर्षि कात्यायनी ने कहा कि माँ मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप मेरे घर में बाल रूप में जन्म लीजिए, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। माँ ने कहा तथास्तु, और उनके घर में माँ जगदम्बा जो है वो कात्यायनी रूप में जन्म ली, प्रकट ली, इसलिए उनका नाम कात्यायनी भी है। बिल्कुल। तो माँ कात्यायनी के विषय में आपने बताया कि किस तरीके से माँ का जन्म हुआ है। माँ कात्यायनी की अगर हम बात करें तो माँ कात्यायनी को कौन से वो पुष्प बहुत ही पसंद आते हैं जिनसे हम उनकी पूजा कर सकते हैं? जोत्सना जी, माँ को लाल फूल बहुत पसंद है। माँ कात्यायनी को लाल वस्त्र भी बहुत पसंद है। आप इनकी पूजा में लाल फूल लाल वस्त्र भी शामिल करें, माँ को बेहद पसंद आता है। और साथ ही साथ माँ को सौभाग्य की भी देवी माना जाता है जोत्सना जी। अच्छे जीवन साथी के लिए या आपकी जो मतलब दिनचर्या है तो इसके लिए भी माँ को सौभाग्य की देवी कहा जाता है। माँ के आशीर्वाद से अगर जिस लड़की की या शादी नहीं हो रही है उसका विवाह भी तय होता है, उसका मंत्र है, उसके बहुत सारे उपाय हैं। माँ की पूजा करें, माँ की आराधना करें। माँ पद्मासना भी है। साथ ही साथ आपको बता दें जोत्सना जी कि माँ जो है वो बहुत ही रौद्र रूप जो है इनका वो सिर्फ असुरों और दानवों के लिए है। और जब सृष्टि पे बहुत ही महिषासुर नाम के दानव का जब बहुत ही तांडव मचा था जोत्सना जी, तो माँ जो है वो प्रकट हुई थी देवी दुर्गा रूप में और उनका संहार कर रही थी, इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। जोत्सना जी सुनने में कितना अच्छा लगता है, महिषासुर मर्दिनी, माँ पराम्बा, इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि ये कमल पे भी निवास करती हैं जोत्सना जी। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि माँ को कौन सा पुष्प हम अर्पित करें ताकि माँ प्रसन्न हो जाए। अब माँ को कौन सा ऐसा भोग लगाएं जिससे माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए और हमें मन चाहा वरदान दे? जी बिल्कुल। माँ को मध्य का भोग लगाना चाहिए जोत्सना जी। इससे मध्य का भोग लगाने से आपकी आकर्षण क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपकी बुद्धि में भी वृद्धि होती है। और मध्य का भोग तो खासकर वैसी लड़कियों को लगाना चाहिए जिनका विवाह तय नहीं हो रहा है, उनकी विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो उनके लिए है कि आप मध्य का भोग माता रानी को लगाएं, माँ कात्यायनी को लगाएं। इससे आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, आपका सौंदर्य निखर कर आएगा। ऐसा कहा जाता है कि माँ को शहद बेहद पसंद है, साथ ही साथ केसर भी माँ को चढ़ाएं। बिल्कुल। तो माँ को केसर का भोग लगाएं और
अगर हो सके तो शहद का भोग लगाएं। खास तौर पर जैसा पूनम जी बता रही हैं कि जो विवाहिता नहीं है, कुंवारी जो लड़कियां हैं, वो मनचाहे वर के लिए माँ को अवश्य लगाएं भोग मद का, और उसी मद का फिर पान भी करें। हाँ जी, बिल्कुल। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं ज्योत्सना जी, जिनके दाम्पत्य जीवन भी सही नहीं चल रहे हैं, उलझने बहुत आ रही हैं, तो वो भी माँ की उपासना करें। जैसा मैंने बताया कि माँ सौभाग्य की देवी हैं, इनसे वर चाह वरदान मिलता है, वर मन चाह वर भी माँ से मिलता है, और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इसलिए माँ की पूजा करें, माँ का आराधना करें। माँ के पूजा में सभी चीज़ें लाल रंग का शामिल करें ज्योत्सना जी, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो रौद्र है और आक्रामक है, और वो लाल रूप जब धारण करती हैं महिषासुर मर्दनी का वध करने के लिए, तो वही रूप मैया का आज तक चला आ रहा है। इसलिए माँ की चूड़ियाँ, माँ के वस्त्र, माँ के फूल, माँ की सारी चीज़ें आप लाल रंग का ही शामिल करें। बिल्कुल, तो माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, और माँ को जो वस्त्र है वो लाल आप अर्पित करें, और मद का भोग लगाएं, और माँ को लाल पुष्प भी अर्पित करें। तो हम आपको बता दें कि अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिनों तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा को ग्रहण कर दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। जैसा कि पूनम जी बता रही थी, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए, यानी कि माता की उपासना वैसे छात्र भी करें और जो चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा में सफलता मिले। बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ माँ जो है वो आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती हैं ज्योत्सना जी, आज्ञा चक्र को माँ नियंत्रित करती हैं। और आज्ञा चक्र जो होता है वो पूरे शरीर को जो है वो, जैसे आप घर में बड़े हैं तो पूरे घर को संभाल कर रखते हैं, घर के डिसीजन मेकर होते हैं आप, ठीक उसी तरह आज्ञा चक्र भी हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो माँ आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती हैं, तो इसलिए अगर आपको निगेटिव थाट्स आते हैं, आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, आप डिसीजन लेते समय घबराते हैं, परेशान होते हैं, आप कोई भी सही डिसीजन लेते समय आपका शरीर कांपता है, तो आप माता रानी माँ कात्यायनी की पूजा करें, उन्हें लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, इससे मैया बेहद प्रसन्न होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें मद्यपान बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें मध का भोग जरूर लगाएं। जी बिल्कुल, तो हमने कई तरह की बातें कर ली, ये हमने जान लिया कि प्रसाद के स्वरूप हम माँ को क्या भेंट करें, पुष्प कौन से चढ़ाएं, कौन से रंग का वस्त्र माँ को बहुत पसंद है। तो पूनम जी, अब वक्त हो गया है एक माँ का प्यारा सा भजन सुनने का, तो भजन सुना दीजिए। बिल्कुल ज्योत्सना जी, माँ जो है वो सौभाग्य की देवी है। माँ मतलब सौभाग्यवती महिलाओं के लिए खासकर ये खास दिन होता है माँ कात्यायनी की पूजा करना। चलिए एक छोटा सा भजन सुनते हैं सभी सौभाग्यवती महिलाओं के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले बिनती मेरी दातिये, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले विनती मेरी दातिये, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरे दातिये, सुन ले विनती मेरी दातिये, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मेरे प्राणों से प्यारा पति मुझसे बिछड़े ना रूठे कभी, माता रानी से ये आयु लगे ये मनोकामना है मेरी, माँ तेरे लाल की मैं हूँ अर्धांगिनी, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले विनती मेरी दातिये। बहुत खूबसूरत है ये भजन, और इसमें किस किस तरीके से एक सुहागन जो है वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए दुआ मांग रही है, माँ से गुहार लगा रही है, माँ से प्रार्थना कर रही है, ये भाव बहुत ही खूबसूरत है। हम और बात करेंगे माँ कात्यायनी के विषय में, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। स्व
स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो माँ को समर्पित है। माँ कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। चार भुजा वाली माँ कात्यायनी बहुत ही खूबसूरत हैं और इनकी जो आभा है वो स्वर्ण के समान है। तो माँ की जो आभा है वो स्वर्ण के समान है, यानी बहुत चमकीली हैं, बड़ी ही दिव्य हैं ये माँ। माँ की पूजा की आपने बात की, आपने ये कहा कि सुहागन जो महिलाएं हैं वो माँ की पूजा किस तरीके से करें, और अगर हम बात करें कि कुंवारी लड़कियाँ किस तरीके से माँ की पूजा करें, तो वो कौन सा विधान है? देखिए ज्योत्सना जी, माँ की पूजा जो है वह अविवाहित लड़कियाँ, मैंने बताया कि जिनका विवाह तय नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी लड़कियाँ जो हैं वो पीपल का एक पत्ता लें, उस पर केसर से माँ के इस मंत्र को केसर से और पीपल की लकड़ियों से ही लिखें। मंत्र ये है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इसे केसर से और पीपल के पत्ते पे पीपल की ही लकड़ी से लिखें और इसे अपने सरहाने रखें, और दूसरे दिन माँ के किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे इसे छोड़ाएं। साथ ही साथ पांच हल्दी के गांठ को भी अपने सरहाने रखें, आप खुद से वार कर जिसे कहते हैं, और उसे जो है वो माँ कात्यायनी के मंदिर में आप छोड़ाएं। श्रृंगार की वस्तुएं भी दान करें, और जितना भी आपकी क्षमता है आप यथाशक्ति श्रृंगार की वस्तुएं लें और माँ को अर्पण करें, माँ को चढ़ाएं, उसके बाद उसे कन्याओं में बांट दें, तो इससे भी आपका जो है वो सौभाग्य की प्राप्ति होती है इसे, और आकर्षण क्षमता आपकी बढ़ती है। ज्योत्सना जी, कहते हैं कि माँ कात्यायनी जो है वो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। पूरे ब्रजमंडल में इनका नियंत्रण रहता है, पूरे ब्रजमंडल पे ये राज करती हैं माँ कात्यायनी। तो गोपियों की, ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियाँ थी ज्योत्सना जी, वो माँ कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भी सभी माँ कात्यायनी की आराधना की थी। सारी गोपियाँ जो है माँ कात्यायनी को मनाने में लगी थी कि मैया मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण जो है वो पति स्वरूप में मिले। तो इसलिए कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा करें। साथ ही साथ माँ कात्यायनी का जो खास मंत्र है जिसे आप जप कर सकते हैं, अपनी यथाशक्ति कोशिश करें कि आप 108 बार भी करें, और अगर नहीं हो पाता है तो यथाशक्ति आप कर सकते हैं। मैं मंत्र बता रही हूँ आपको, वो मंत्र है जिसे आप नोट भी करें या फिर वो सरलता से कहीं भी झेल जाता है। जैसा पहले मैंने बताया कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे को भी आप जो है वो 108 बार, ये पहले 108 बार इसे जप लें और इसे पीपल के पत्ते पे लिख लें, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनी दिधेश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी दिधेश्वरी, नंद गोप श्रुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, अवश्य ही मैया आपकी सुनेंगी और आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। बिल्कुल, तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ कात्यायनी से जितनी गोपियां हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में पाने के लिए उनकी पूजा की थी, तो आप उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ कात्यायनी कितनी शक्तिशाली माँ है। तो माँ कात्यायनी देवी का शरीर जो है वो सोने के समान चमकीला है। चार भुजा वाली माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेकर शोभामान वो बनी हुई हैं। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। तो माँ सिंह पे सवार है, महिषासुर मर्दिनी भी हैं, मतलब जितने भी जो पावर है, जो शक्ति है, वो इन माँ के अंदर में है। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं नवरात्र की, तो आपने कहा था कि नवरात्र के छठे दिन देवी की पूजा में शहद का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इस दिन शहद का हमें प्रयोग करना चाहिए, प्रसाद के तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपको सुंदर रूप प्राप्त होगा, क्षमता जो है आपकी बढ़ती है। बिल्कुल, आप बहुत आकर्षित दिखेंगे, आकर्षण आपके अंदर बढ़ जाएगा। जब आप किसी से मिलेंगे तो वो आपकी ओर आकर्षित होगा और पूरा जो व्यक्तित्व है आपका वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इस दिन सबसे पहले माँ कात्यायनी की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें, क्योंकि लाल वस्त्र माँ को बहुत पसंद है, जैसा कि पूनम जी ने बताया। इसके बाद माँ की पूजा उसी तरह से करें जैसे कि नवरात्र के पाँच दिन आपने की है। इसके बाद हाथों में लाल फूल लेकर माँ की उपासना करें, और जो मंत्र बताया है पूनम जी ने उसका आप बार बार उसका प्रयोग करें ताकि माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं।
तो पूनम जी, कई ऐसी जानकारी हमने साझा की आपके साथ, हमारे दर्शकों को हमने बताया। और अगर जैसा कि आपने कहा कि माँ कात्यायनी के मंदिर में जाके जो सुहाग की वस्तुएं हैं वो जाके दान कर देनी चाहिए, पहले माँ को चढ़ाएं और उसके बाद हल्दी की गांठ भी आपने बताई कि जाके कर देना चाहिए। तो हम कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर की अगर बात करें तो छतरपुर में है, दिल्ली में बहुत ही प्रसिद्ध है ये मंदिर है, जो सबसे बड़ा है, दरअसल सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से भी एक है और सबसे बड़ा भी है ये मंदिर। ये मंदिर है गुड़गांव महरौली मार्ग के निकट छतरपुर है, वहाँ पे ये मंदिर है। शक्तिपीठ की अगर बात करें तो इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था 1974 में। इसके स्थापना कर्नाटक के एक संत थे, बाबा नागपाल जी, इन्होंने की थी। और वास्तुकला की दृष्टि से छतरपुर का मंदिर एक अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के पत्थर जो हैं उसमें कविताएं लिखी हुई हैं, वो कविताओं को दर्शाते हैं। 2005 में दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले तक ये मंदिर जो छतरपुर में है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया और मंदिर की जितनी भी जगह हैं यानी जो दीवारें हैं उस पर जाली से काम कराया गया है। इस तरह की वास्तुकला को बेसारा वास्तुकला कहा जाता है। माता का एक मंदिर खगड़िया बिहार में भी है। तो आज जितने भी श्रद्धालु हैं ना पूनम जी, वो सभी मंदिरों में जा रहे हैं, खासतौर से उन मंदिरों में जहां पर माँ स्वयं विराजती हैं। तो माँ कात्यायनी का जो मंदिर हमने बताया, इन दोनों मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है, इतनी ज्यादा भीड़ है, दर्शक लगातार, जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो माँ को पूजते हैं, वो आज सुबह से ही कतारबद्ध होकर के मंदिरों में गए हैं और माँ की कृपा पाने की जुगत में लगे हुए हैं और माँ के दर्शन से ही, तो कहते हैं ना कि माँ के जो दर्शन कर लेना उसके सारे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। माँ के दर्शन मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ हम जब बात करेंगे कि माँ को कैसे प्रसन्न करें, तो कई चीज़ें, जैसे एक तो जैसे आप भजन गाती हैं, भजन गा के गीत संगीत के माध्यम से भी माँ को प्रसन्न किया जाता है। और एक बात जो और जानना चाहूँगी पूनम जी, कि जब हम पूजा करते हैं तो खास तौर से जो पूजा स्थल है उसको सजाने का विधान है कि उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके सजा के और तब माँ को बुलाया जाए और माँ का आह्वान किया जाए, इसके पीछे क्या कारण है? ज्योत्सना जी, इसके पीछे कारण है माँ कात्यायनी जो है, इनको लाल रंग बेहद पसंद है, चाहे कोई भी माँ हो, माँ तो सभी एक ही है स्वरूप, भले ही नाम अलग अलग दिया गया है, माँ कात्यायनी भी माँ पार्वती का ही दूसरा रूप है। तो आसन जहाँ पे आप बिछाते हैं, आप यथाशक्ति करें ज्योत्सना जी, कोई जरूरी नहीं कि मैया कहती हैं कि बहुत भव्य तरीके से मुझे सजाओ या मुझे सारी श्रृंगार वस्तुएं दान करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी है आप उससे मैया को सजाएं, मैया को मनाएं, लाल चुंदरी अवश्य रखें, लाल फूल अवश्य रखें, अड़हुल का जो फूल होता है खासकर माँ को पसंद है, हाँ उसे शामिल अवश्य करें और यथाशक्ति जितने आप, आप आप कर सकते हैं उतने ही माँ की आराधना करें। कोई दिखावा नहीं, वो माँ है, हमारे जननी की भी जननी है, बेहद करुणामयी है, आपकी सारी भावनाएं समझती है, इसलिए यथाशक्ति ही पूजा। बिल्कुल, यथाशक्ति जो आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप पूजा करें, माँ हमेशा प्रसन्न होती हैं जब भी आप मन से दिल से उन्हें याद करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ हम और बात करेंगे माँ कात्यायनी के बारे में, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका फिर से और हम बात कर रहे हैं माँ कात्यायनी के बारे में। पूरा विश्व आज माँ की पूजा आराधना में लगा हुआ है और हम भी यहाँ आपको बता रहे हैं कि कैसे आप माँ की पूजा करें, कैसे उनकी कृपा को पा सकें। हमारे साथ पूनम गुप्ता जी लगातार बनी हुई हैं और कई उन्होंने विशेष बातें भी बताई हैं कि किस तरीके से देवी की कृपा आप पर बरसेगी और किस तरह से आप पूजा करेंगे। हम जब ब्रेक पे गए थे उसके पहले हम बात कर रहे थे कि जो पूजा स्थल है उसको किस तरीके से सजाना चाहिए, जैसा पूनम जी ने बताया कि जो आपकी श्रद्धा है, जो शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप पूजा स्थल को सजा सकते हैं, सवार सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो जो आपके रसोई में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चावल है, हल्दी है, कुमकुम है, उनको मिला करके भी आप वेदी का निर्माण कर सकते हैं और उसको भी
नीम के पत्तों से, आम के पल्लव से कुछ पुष्प डाल के सजा सकते हैं क्या पूनम जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरीके से भी आप माँ की पूजा करें। दरअसल ये एक संदेश होता है कि हम माँ के आने से बहुत प्रसन्न हैं। जैसे किसी भी अतिथि के आने पर हम पूरे घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही देवी का आह्वान करिए। और आज चूँकि छठा दिन है, माँ हमारे यहाँ पहले ही आ चुकी हैं और हम उनकी सत्कार में, उनके सेवा में लगे हुए हैं, तो उसको जितना ज़्यादा आप श्रद्धा के साथ कर सके, जो आपको ईश्वर ने जो आपको दिया है सामर्थ्य उसके हिसाब से। तो पूनम जी, हम बात कर रहे हैं मैया की, बात कर रहे हैं उनकी कृपा पाने की, एक छोटा सा भजन गा दीजिए। कभी फुरसते हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुरसत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, कि जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भोग लगा जाना। जो जो आपके पास सामर्थ्य है उस हिसाब से माँ की पूजा करिए और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, सभी बीमारियों से निजात मिलती है। और इसके बाद माँ की जब आप आरती कर लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको मनचाहा वरदान मिलता है। तो आप कीजिए माँ की पूजा, पाइए मनचाहा वरदान और मुझे दे दीजिए इजाजत। जय माता दी।